हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स और हम किसी फेमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व या किसी भी नर्व की डिटेल में जाने से पहले हम इसकी एक शॉर्ट समरी टेबल से, जैसे हमने अपर लिम्ब की डिस्कस की थी, हम इसको पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने लंबोसैक्रल प्लेक्सिस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एवरी नर्व। बट बिफोर स्टार्टिंग नर्व्स हम पहले उन नर्व्स की बेसिक समरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो नर्व्स हैं क्या, उनमें मसल्स कौन से इंजर्ड हो रहे हैं, उनमें मसल्स इन्वॉल्व कौन से बेसिक पैथोलॉजीज हो सकती है, इसकी वजह से नर्व इंजरी हो सकती है, आई मीन टू से कॉजेज। फिर हम उनके कुछ सिम्टम्स के उसकी वजह से क्या हो सकता है, ठीक है, और उसका फंक्शनल लॉस क्या हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास एक समरी क्रिएट करती है, एक माइंड में क्रिएशन कर देती है कि हमारे पास डिटेल में जानना, किसी भी नर्व की डिटेल में जाने से पहले, ताकि हमें पता हो कि इस नर्व की वजह से क्या क्या हो सकता है, इस नर्व डैमेज की वजह से क्या क्या हो सकता है, या इसके पीछे कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। हम पाथवे डिस्कस करने से पहले नर्व को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पैटर्न ऑफ मसल वीकनेस, अगर आप किस नर्व की बुक से पढ़ें तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। टेबल है 13.2, ठीक है। तो हमने इसमें क्या था, पैटर्न ऑफ मसल वीकनेस एंड फंक्शन लॉस विद पेरिफेरल नर्व इंजरीज इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। सबसे पहली नर्व जो होती है हमारे पास फेमोरल होती है, जो हमें पता है L2 से L4, जैसे हमने लास्ट में बेकियल प्लेक्सिस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। लंबोसैक्रल प्लेक्सिस जब हमने डिस्कस किया था, तब हमने डिस्कस किया था फेमोरल नर्व को, ठीक है। सो अभी हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते कि हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था, बस ये याद रखिए कि इसका नर्व रूट जो है वो L2 से L4 है, ठीक है। L2 से L4 फेमोरल नर्व का नर्व रूट है, ठीक है। जो मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो मसल इंजरी जो मसल अफेक्टेड होते हैं इस नर्व इंजरी की वजह से, वो कौन कौन से होते हैं, इलियाकस, सार्टोरियस, पेक्टिनियस एंड क्वाड्रिसेप्स ग्रुप, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स ग्रुप में हमें पता है जो मसल्स आते हैं, मेरे ख्याल में सबको पता होगा, वास्टस, लेटरैलस, मीडियालस, इंटरमीडियस, और साथ साथ हमारे पास आ जाता है रेक्टस फेमोरस, ठीक है। सो अगर किसी को ज़्यादा डिटेल नहीं पता, तो हम जब नर्व्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं विद पिक्चर्स डिस्कस कर दूंगी कि कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं। बट बेसिकली यही मसल्स हैं, हमने एनाटॉमी में बहुत बार पढ़े हुए, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाने, ठीक है। सो इलियाकस, साइटोरियस, पेक्टिनियस और क्वाड्रिसेप्स ग्रुप जो है वो, और ये सब इन्वॉल्व होते हैं जब हमारे पास फेमोरल नर्व की इंजरी होती है, तो ये मसल्स अफेक्ट होंगे, ठीक है। अब कॉमन साइट्स क्या है नर्व की कंप्रेशन की, या कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हमारे पास पेल्विक और अपर फ्यूमर फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व की इंजरी हो सकती है। इस बार फ्यूमर का फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास पाथवे ऐसा है फेमोरल नर्व का कि जैसे फ्यूमर का फ्रैक्चर होगा या अपर रीजन में किसी भी जगह पे फ्यूमर का फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास फेमोरल नर्व की इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह पेल्विक फ्रैक्चर्स या पेल्विक बोन के फ्रैक्चर्स होते हैं तो हमें उस केस में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं नर्व इंजरी के, ठीक है। During reduction of congenital dislocation of the hip or from pressure during the forceps labor or in delivery, ठीक है। So उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ्रैक्चर के बाद जो था, उन्होंने कहा रिडक्शन हो जाती है अगर कंजेनिटल डिसलोकेशन हो जाए हिप की। पता नहीं आप लोगों को ये पता है कि नहीं, ये कंडीशन होती है बेसिकली कंजेनिटल डिसलोकेशन, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं कि इसको इतनी रेयर कंडीशन नहीं है, पर यह है कि पाई कम जाती है हम जैसे एशियन कंट्रीज़ में। बट यह है कि कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप जो है उसमें यह होता है बेसिकली कि हमारे पास बाय बर्थ जो फेमोरल हेड है और जो हमारे पास एसिटेबुलम है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जॉइंट बना हुआ है, ठीक है, हिप जॉइंट, वो दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर जो होता है वो अब नॉर्मल क्रिएट होता है, मोस्टली एस्टेबुलम होता है, जिसमें जिसकी वजह से हमारे पास कंजेनिटल डिसलोकेशन हो जाती है हिप की, ठीक है। तो हमारे पास बहुत से जैसे बार्लो साइन और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें हमारे पास प्रोमिनेंट हो रही होती है, पर हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करें, ठीक है। हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे कि जब कंजेनिटल डिस्लोकेशन हो जाएगी हिप की, उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या हो सकती है, नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है। और फोरसेप्स डिलीवरी, ठीक है, फोरसेप्स डिलीवरी या फोरसेप्स लेबर जो होता है, बेसिकली फोरसेप्स जो होता है ना, हमारे पास एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास ड्यूरिंग डिलीवरी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे समटाइम्स अगर किसी को इतना डिटेल में नहीं पता तो ऐसे स्पून शेप इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बेबी के हेड को बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास डिलीवरी नॉर्मल हो रही होती है पर हमने उसको असिस्ट करना होता है, ठीक है। सो जब हमने उसको असिस्ट करना है या हमारे पास बेबी का हेड बाहर नहीं आ रहा होता, ठीक है, सो हम क्या कहते हैं कि उसको असिस्ट करने के लिए हम ये स्पून प्लेस करते हैं और स्पून के थ्रू जो है हम लेबर को या डिलीवरी को या बेबी के हेड को बाहर की तरफ डिलीवर करते हैं, ठीक है। सो ये जो डिलीवरी होती है इसको कहते हैं कि फोरसेप्स डिलीवरी या फोरसेप्स लेबर, जो फोरसेप्स की या फोरसेप्स एक इक्विपमेंट का ही नाम है, इसी की वजह से इसको फोरसेप्स डिलीवरी कहा गया। सो हमारे पास ऐसी डिलीवरी को हम फोरसेप्स डिलीवरी करते हैं जो हमारे पास इक्विपमेंट के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी तो आ गई थी हमारे पास कॉजेस, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था फोरसेप्स डिलीवरी हो गई, हमारे पास कंजेनिटल डिस्लोकेशन हो गई, हमारे पास हिप की, ठीक है, अपर फ्यूमर फ्रैक्चर्स हो गए या हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास कंजेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ हिप की रिडक्शन, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है ना कि रिडक्शन की जब उन्होंने बात की थी तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर गए कि हमारे पास जो रिडक्शन होती है ना, बेसिकली जब हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जब हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, जो भी तरीका या जो भी सर्जिकल प्रोसीजर, या आप ये भी कह सकते हो कि समटाइम्स आप क्या कहते हैं कि डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू आप वैसे भी उसकी रिडक्शन करना चाह रहे होते हो तो विदाउट सर्जरी, तो उसमें यह होता है कि आप क्या कहते हो ड्यूरिंग रिडक्शन, उसकी रिडक्शन के दौरान भी फेमोरल नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डिफॉर्मिटी एंड सिम्टम्स। अब क्या हुआ, फेमोरल नर्व की वजह से जो डिफॉर्मिटी या सिम्टम्स आ सकते हैं वो क्या थे, एट्रोफी इन द इंटीरियर थाई, ठीक है। एट्रोफी इंटीरियर थाई में इसलिए होती है क्योंकि ये सारे जो मसल्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द थाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब ये मसल्स या ये नर्व इंजर हो रही है, ठीक है, इस नर्व की वजह से ये मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ये मसल्स अफेक्ट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एट्रोफी होने लग जाएगी हमारे पास इंटीरियर थाई के मसल्स में, ठीक है। अगर किसी को एट्रोफी नहीं होता पता तो एट्रोफी होता है कि सेल्स जो होते हैं ना वो अपनी या सेल डेथ जिसको कहते हो ना आप, ठीक है, वो होना शुरू हो जाती है हमारे पास मसल्स के सेल की डेथ, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शनल लॉस जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, वीकनेस हो जाएगी, जाहिर सी बात है हमें पता है कि वीकनेस हो जाएगी, बंदा अपनी थाई को फ्लेक्स नहीं कर सक रहा, नी को एक्सटेंड नहीं कर सक रहा क्योंकि ये दोनों काम क्या थे, क्वाड्रिसेप्स के थे, ठीक है। फिर हमारे पास गेट और वेट बेयरिंग डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी, जाहिर सी बात है गेट का डिस्टर्बेंस तो होगा ही और वेट बेयर वैसे ही बंदा नहीं कर सकेगा क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस हो चुकी है, ठीक है। अनेबल टू कंट्रोल नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग लोड रिस्पॉन्सेज ऑफ सॉरी और हिप फ्लेक्शन टू इनिशिएट स्विंग, ठीक है। मतलब वही उन्होंने सारे गेट की डिस्टर्बेंसेस बता दिए कि जब लोडिंग रिस्पांस के या जो लोडिंग फेज में होगा, ठीक है, तो पेशेंट जो अपनी नीव की फ्लेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सक रहा होगा, ठीक है, और अगर नी की फ्लेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सक रहा लोडिंग रिस्पांस में, या फिर हिप की फ्लेक्शन को इनिशिएट ही नहीं कर सकता ड्यूरिंग अर्ली स्विंग या ड्यूरिंग इनिशिएट ऑफ स्विंग, ठीक है, स्विंग फेज की जब हम यहाँ पे गेट साइकिल की बहुत ज़्यादा डिटेल में बात ही करेंगे, मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी तो गेट साइकिल की अगर किसी को नहीं पता तो वहाँ पे डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बस ये याद रखना लोडिंग रिस्पॉन्स तब हो रहा होता है जब हमारे पास सारा जोर पाँव के ऊपर आ जाता है, पाँव जो होता है वो फ्लैटिंग पोजिशन में होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इनिशिएट स्विंग होता है जब हम बिल्कुल एक्सेलरेशन या बिल्कुल पाँव अपना लिफ्ट करते हैं ना फ्लोर से, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, तो तब हमारे पास इनिशिएट हो रहा है स्विंग में, उसमें हमारे पास फ्लेक्शन हिप की बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। सो हम बाद में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होगी थी हमारे पास फेमोरल नर्व, हम इसको तेज से लेके जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नर्व थी वो थी ऑब्टुरेटर नर्व, ठीक है। ऑब्टुरेटर नर्व का भी नर्व रूट L2 से L4 ही है। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस और एडक्टर मसल ग्रुप जो है वो हमारे पास सारे जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। Similar to femoral nerve, प्रेशर फ्रॉम ग्रेविड यूट्रस एंड डिफिकल्ट लेबर। ठीक है, फेमोरल नर्व की तरह ही है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बाकी सारी इंजरीज वही हो सकती हैं, उसकी वजह से भी ऑब्ट्यूरेटर नर्व अफेक्ट हो सकती है जो हमने फेमोरल नर्व की पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है वो हमारे पास ग्रेविड यूट्रस बेसिकली ऐसा यूट्रस होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आप ये कहते हो कि जो प्रेगनेंसी होती है ना, ठीक है, वो सैक्रल रीजन और सिम्पसिस प्यूबिस के रीजन के ना मतलब बीच में ट्रैप हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब वो उसकी जो प्रेगनेंसी का या जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो उसकी जो पोजीशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास जो यूट्रस है वो हमारे पास सैक्रल रीजन और सिम्पसिस प्यूबिस रीजन के बीच में इंट्रैप्ट हो जाता है। ठीक है, हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बाद में इसके किसी और लेक्चर में हम इसकी डिटेल को डिस्कस कर लेंगे या हम गाइनी के लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर अगर लेबर डिफ़िकल्ट है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर डिफ़िकल्ट लेबर होगा तो हमारे पास क्या होगा कि उस केस में भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो जाहिर सी बात है एक प्रेशर उस रीजन पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो हमारे पास फेमोरल नर्व या ऑब्ट्यूरेटर नर्व को डैमेज कर सकता है अगर हम क्या कहते हैं कि प्रॉपरली उसको देखते नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी समटाइम्स डिफ़िकल्ट लेबर जो होता है वो ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी में ही होता है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी में डिफ़िकल्ट लेबर है, ठीक है, मतलब ऑर्स टू ऑर्स जो है एक जो एरिया पे प्रेशर रह रहा है तो उस एरिया पे प्रेशर रहने की वजह से नर्व्स इंजर हो सकती हैं। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इसको कॉज बताया। और ग्रेविड यूट्रस को भी इसीलिए कॉजता है क्योंकि ये कोई रीजन ऐसा है जिसकी वजह से ऑब्ट्यूरेटर नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि यहाँ से L2 से L4 जहाँ से ओरिजिनेशन हो रही है वहीं पे ऑब्ट्यूरेटर नर्व इंट्रैप्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे इंजरी या वहीं पे कंप्रेशन आने के चांसेस हो जाते हैं ग्रेविड यूट्रस की वजह से। ठीक है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से क्या होगा कि वो उस रीजन पे जाहिर सी बात है वो रीजन यूट्रस का या आप कहते हैं प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा एरिया उसने ऑलरेडी कवर किया होता है, तो नर्व्स को कंप्रेस होने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इजी चांसेस होते हैं कि नर्व वहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, बाद में हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे इतना काफ़ी है। ठीक है, एट्रोफी ऑफ द मीडियल थाई। ठीक है, अब क्या होगा, मीडियल साइड की थाई जो थी उस पर एट्रोफी थी क्योंकि ये मसल्स जो थे वो मीडियल साइड के थे। ठीक है, इसी तरह से आप उन्होंने क्या कहा कि फंक्शनल लॉस क्या होगा कि एक तो बंदा क्रॉस नहीं कर सकेगा अपनी लेग्स को, ठीक है, लेग्स क्रॉस नहीं हो सकेंगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी हमारे पास एडक्शन। ठीक है, एडक्शन इम्पेयर्ड हो गई तो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द थाई वो पेशेंट सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा जिसकी वजह से हमें पता है कि शियाटिका एक बहुत कॉमन कंडीशन है, ठीक है, जो शियाटिक नर्व की वजह से होती है, बट हम इसको अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हैमस्ट्रिंग ग्रुप मोस्टली इन्वॉल्व होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग ग्रुप के मसल्स जो है वो हमारे पास पता है, हमें सेमी टेंडेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और क्या है बाइसेप फेमोरस और साथ हमारे पास एडक्टर मैग्नस का पार्ट आता है। ठीक है, लेकिन इसको हम जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग ग्रुप के अंदर भी समटाइम्स इंक्लूड करते हैं, समटाइम्स एडक्टर मैग्नस को अलग भी कंसीडर करते हैं, या एडक्टर मैग्नस पूरा कंसीडर होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा शियाटिक नर्व, अब क्या हुआ कि शियाटिक नर्व की वजह से या इसकी कॉजेज क्या है या कॉमन साइट्स क्या है, कंप्रेशन हो जाती है जब टाइट पेरिफेरल मसल्स की, हमें पता है बहुत कॉमन कॉज है शियाटिक नर्व शियाटिका की, जो जब हमारे पास कंप्रेशन हो जाती है पेरिफेरल मसल की, ठीक है, या टाइटनेस आ जाती है हमारे पास पेरिफेरल मसल में, तो हमारे पास क्या हो जाती है कि शियाटिक नर्व की कंप्रेशन हो जाती है। हिप डिस्लोकेशन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, हिप डिस्लोकेशन की वजह से भी शियाटिक नर्व हो सकता है, शियाटिका हो सकता है। ठीक है, और फ्रैक्चर ऑफ द फ्यूमर या शियाटिक नर्व कंप्रेशन जो होती है वो जाहिर सी बात है फ्यूमर का फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि शियाटिक नर्व का नर्व पाथवे यही है। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्चर की वजह से ब्लड एक्यूमुलेशन, इन्फ्लेमेशन या फ्रैक्चर खुद जो बोन है वो हमारे पास शियाटिक नर्व को डैमेज कर सकती है, तो हमारे पास ये सारे कॉजेज हो सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ द शियाटिक नर्व इंजरी के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शियाटिका या डिफॉर्मिटी या सिम्टम्स क्या थे। शियाटिका है पेन एडिटिंग इन द पोस्टीरियर थाई एंड द लेग, ये हमें पता है पेन किस जगह पे होता है, पोस्टीरियर थाई और लेग के रीजन पे, यह बैक साइड पे होगा पेशेंट के। ठीक है, एट्रोफी पोस्टीरियर थाई, ठीक है, पोस्टीरियर थाई की ही एट्रोफी हो रही है, ठीक है, और लेग की भी और फुट की भी, ठीक है। फुट की इस वजह से होती है कि जो मसल्स हमारे पास लेग के मसल्स है ना, ठीक है, वो मैक्सिमम मसल्स जो है वो हमारे पास फुट में जाके इंसर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फुट की मसल्स की भी एट्रोफी होती है, काफ मसल्स की भी एट्रोफी, जाहिर सी बात है बैक साइड के लेग के मसल्स, काफ मसल्स ज़्यादा है, ठीक है। सो काफ मसल्स की भी एट्रोफी होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मतलब उन्होंने कहा कि जो पोस्टीरियर साइड है ना उसके मैक्सिमम मसल्स की एट्रोफी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वीक नी फ्लेक्शन हो जाएगी। अब क्या हुआ कि हमारे पास प्राइमरी फंक्शन जो लॉस था वो हमारे पास क्या था, वीक नी फ्लेक्शन हो गई, लॉस ऑफ एंकल एंड फुट कंट्रोल हो गया, अफेक्टिंग ऑल फेजेस ऑफ गेट, ठीक है। क्या होगा, जाहिर सी बात है फुट जब अफेक्ट हो गया तो फेस के या फुट लेग थाई, मतलब आप ये कह सकते हो कि जॉइंट, नी जॉइंट और फुट जॉइंट मतलब एंकल जॉइंट, वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास गेट के सारे फेजेस अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उस पेशेंट का गेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टिबियल नर्व। टिबियल नर्व का नर्व रूट जो है वो L4 से S3 है, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्सर्स, पोप्लीटियस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ये सारे मसल्स हैं जो हमारे पास क्या हो गए, अफेक्ट होंगे इस टिबियल नर्व की डैमेज की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पे हमने कहा था ना ऊपर भी एट्रोफी थी काफ की, ठीक है, क्योंकि काफ के मसल पर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली टिबियल नर्व की वजह से काफ मसल्स की एट्रोफी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो इन अ ग्रुप हो रही थी ना थाई के, लेग के और फुट के मसल्स में, ठीक है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो एट्रोफी हो रही है हमारे पास काफ मसल्स की, ठीक है, सिर्फ काफ मसल्स की। पॉप्लीटियस, प्लांटर फ्लेक्सर्स, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ये सारे मसल्स डैमेज होने की वजह से काफ मसल्स में एट्रोफी होने लग जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल लॉस था वो इनएबिलिटी टू प्लांटर फ्लेक्स, पेशेंट प्लांटर फ्लेक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, एंकल और फ्लेक्स टू फ्लेक्स, फ्लेक्स द टो, ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर सकेगा टोज को, ठीक है। गेट की इम्पेयरमेंट हो जाएगी टर्मिनल स्टैंस में। टर्मिनल स्टैंस में गेट की इम्पेयरमेंट का मतलब, अगर किसी को नहीं पता, टर्मिनल स्टैंस कब हो रहा होता है, जब हमारे पास हम क्या कर रहे होते हैं कि बिल्कुल पाँव जो है ना फुट को हम बिल्कुल ज़मीन के साथ लगाने लग गए होते हैं, ठीक है, टर्मिनल स्टैंस तब होता है। तो जब हम फुट को लगाने लग गए होते हैं ना, पूरा फुट जब पाँव ज़मीन के साथ लग जाता है, उस केस में क्या होता है कि काफ मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये सारे मसल्स जो होते हैं यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे फंक्शन जब डिस्टर्ब हो गए हैं, ये सारे मसल्स जब डिस्टर्ब हो गए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल स्टैंस हम अच्छी से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वजह से गेट की इम्पेयरमेंट आ जाएगी, सही है। अच्छा, अब एंकल से जो नीचे नीचे नर्व्स हैं वो क्या है, मीडियल, लेटरल, प्लांटर नर्व्स, ठीक है, मीडियल और लेटर प्लांटर नर्व्स हैं, ठीक है। इनके डैमेज की वजह से क्या होगा, यानी मतलब कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, एब्डक्टर हॉलिसिस, फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेवियस, लम्ब्रिकल्स, इंट्रोशियाई एंड क्वाड्रेटस प्लांटाई, ये सारे मसल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, मीडियल और लेटर प्लांटर नर्व्स में। नेक्स्ट, अब इसमें क्या था कि हमारे पास जो कॉज आ रही है इंजरी की, ठीक है, वो ये थी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं ये नर्व्स टार्सल टनल में, ठीक है। अगर किसी को टार्सल टनल नहीं पता, टार्सल टनल, ठीक है, ये रीजन होता है ये वाला, ठीक है, टार्सल टनल का, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, आपको इस जगह पे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो नर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि टार्सल टनल सिंड्रोम होता है। पर टार्सल टनल में हमारे पास समटाइम्स क्या होता है कि इस रीजन में मीडियल और लेटर प्लांटर नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि मतलब हमारे पास क्या होता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाती है हमारे पास टार्सल टनल में होने की वजह से, क्या होता है कि हमारे पास कॉल या टार्सल टनल में होने की वजह से इन नर्व्स की इंजरी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब ये रीजन है ना, अब इस रीजन में कोई भी चीज़ ट्रैवल करती है या कोई भी और इशू होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस रीजन में जितनी भी नर्व्स इस रीजन से क्रॉस करिए वो सारी अफेक्टेड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ये टार्सल टनल में, ठीक है। या फिर इरिटेशन ऑफ फ्रॉम पेस प्लानस और पेस कैवस। पेस प्लानस पेस कैवस का अगर किसी को नहीं पता तो पेस कैवस जो होती है वो हमारे पास हाई आर्च को कहते हैं, ठीक है। और पेस प्लानस जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट आर्च हो जाती है, मतलब आपकी ये जो आर्च है ना, ये वाली जो नॉर्मल आर्च यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है, ठीक है, ये आर्च बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं पेस प्लानस, ठीक है। और जब हाई आर्च हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं पेस कैवस, ठीक है। सो पेस प्लानस या पेस कैवस की वजह से अगर इरिटेशन होती है तो तब भी ये नर्व्स इफेक्ट होंगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा, इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब सिम्टम्स या डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, फुट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, जैसे पेस कैवस पेस प्लानस हो भी सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही हो, ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि बाद में भी हो सकता है इस इन नर्व्स की डैमेज की वजह से, ठीक है। क्लॉटोज भी इनको ही कहते हैं, ठीक है। क्लॉटोज मतलब टोज जो होंगे ना आपको, वो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि क्लॉट टाइप, क्या आप कहते हैं फ्लेक्शन में जाते हैं ना जब टोज, ठीक है, तो उस तरह से आपकी शेप आ जाएगी, ठीक है। फुट स्ट्रेन होगा या पेनफुल हील हो जाएगी, ठीक है, ये सारी जो कंडीशन या सिम्टम्स है वो आएंगे पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज जो नर्व हमारे पास डैमेज हो रही है कॉमन पेरोनियल, जो बहुत 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 बार डिस्कस हो चुकी है, इसको बार बार हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व में हमारे पास दो डिविजन्स आ रहे थे, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व को अगर अलग से डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होता है कि कंप्रेशन हो जाती है फ्रॉम क्रॉसिंग लेग्स, ठीक है। लेग्स को क्रॉस करने की वजह से ना, अगर कॉन्टिन्यूस क्रॉस करें तो उसकी वजह से हमारे पास कंप्रेशन आती है, ठीक है, जिसकी वजह से गेट की इम्पेयरमेंट हो जाती है ड्यूरिंग द लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। पर ये वाला जो सारी कंडीशन है ना, ये कॉमन पेरोनियल के साथ साथ डीप पेरोनियल और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व में भी होती है, ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमन पेरोनियल का जो कॉमन पेरोनियल की ही जो नर्व इंजरीज है ना, वो ही डीप पेरोनियल और सुपरफिशियल पेरोनियल की कॉजेज है, ठीक है, सिर्फ इनके मसल्स में डिफरेंस है। डीप पेरोनियल नर्व का जो मसल्स है वो एंकल, डॉर्सीफ्लेक्सर, टो एक्सटेंसर और पेरोनियस टेरिटस है, ठीक है। लेकिन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व के जो है वो पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेवियस है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमने कहा था कि कंप्रेशन होगी क्रॉसिंग लेग की वजह से, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है, फिर इंजरी हो जाएगा किसी भी फ्रैक्चर, फिबुला के फ्रैक्चर या नेक ऑफ द फिबुला फ्रैक्चर या फ्रैक्चर एट द हेड ऑफ द फीमर, किसी भी तरह से अगर आप कहते हो ना फिबुला का फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको इसकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व की डैमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व की वजह से क्या क्या कंडीशन या डिफॉर्मिटीज होती है, जो हमें पता है मोस्ट कॉमन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो क्या होता है, फुट ड्रॉप, ठीक है। फुट ड्रॉप जो होता है वो डीप पेरोनियल नर्व की वजह से हो रहा है, ठीक है, और इट मे डेवेलप पेस वेलगस, ठीक है। पेस वेलगस क्या होता है कि हमारे पास वेलगस या वेरस का कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता तो वेलगस जो होता है ना, वो हमारे पास फूड जो होता है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, फूड जो होता है वो जुड़ जाता है। और जो है हमारे पास जो वेलगस का वेरस का कॉन्सेप्ट है ना, वो फूड फार अपार्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको डिस्कस करेंगे पर हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करें, ठीक है, बस पेस वेलगस और वेरस का आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की वजह से हो सकता है वो हमारे पास है क्यूनोवेरस, ठीक है। क्यूनोवेरस एक कंडीशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ओके, मैंने कहा कि हम डिटेल में जाने से पहले हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कैवस क्या होता है। कैवस ये हमने देख लिया कि हमारे पास इस तरह की कंडीशन थी कि हमारे पास आर्च हाई होगी है, ठीक है। इक्यूनस जो है ना, वो अगर आप देखो तो आपका पर्सन का फुट जो वो डॉर्सीफ्लेक्शन में, लेकिन टोज और मेटाकार्पल ज़्यादातर जो है ना वो फुट के साथ लगी होती या फ्लोर के साथ अटैच होती है। लेकिन जो आपका हमारे पास बैक साइड के या बैक रीजन है या जो हील वाला रीजन है वो जो होता है वो उठा हुआ है, ठीक है, मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास अब ज़्यादा हम डिटेल में जाते हैं, ये बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे फिलहाल डिस्कस हुआ है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेलगस हमारे पास अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमारे पास बाहर की तरफ इसने पाँव यूँ मुड़ा हुआ है, ठीक है। इक्विनोवाल्गस हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। ये जो इक्विनस है ना, ठीक है, ये हमारे पास है टैलेप्स इक्विनस, टैलेप्स बेसिकली फुट के लिए हम वर्ड यूज़ करें, ठीक है। ये जो है ना इक्विनोवेरस, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन अगर यहाँ पे नज़र आ रही है तो ये वाली कंडीशन होती है जिसमें इक्विनस और वेरस, ठीक है, मतलब दोनों जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वेरस भी फुट इनवर्ड भी मूव कर गया होता है, ठीक है, मतलब फुट की जो फुट का जो एरिया ना वो इनवर्ड मूव हुआ हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, और साथ साथ ये पीछे से हील जो है वो ऑफ भी है, मतलब फ्लोर के साथ अटैच हुई है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है इक्विनोवेरस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास गेट की इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग द लोडिंग फेज विद फुट स्लैब, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा गेट की इम्पेयरमेंट आ जाएगी लोडिंग रिस्पॉन्स पे, ठीक है, जब हम लोड रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, ठीक है, या हमारे पास जब गेट का फेज है लोडिंग रिस्पॉन्स उसके दौरान जो है हमारे पास फुट जो है जब ज़मीन पे लगेगा उस कंडीशन में, और ड्यूरिंग द स्ट्रेन फेज में, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्सेसिव हिप की फ्लेक्शन चाहिए। अब क्या होगा, जब हमारे पास हिप की फ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ पे अब हिप की फ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, एग्जस्ट कर जाएगी, ठीक है, और जिसके वजह से हमारे पास स्टेपेज गेट होता है, जिसमें आप एक बंदा जब आप चल रहा होगा ना आपको पता चलेगा वो अपने स्टेप बहुत जोर जोर से ज़मीन पे मार रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो है ये स्टेपेज गेट है टू क्लियर द टोस, ठीक है, वो टोस को क्लियर करने की एक तरीकाकार है, ठीक है। मतलब एक पेशेंट जो है वो अपने आप को चलने की तो कोशिश करेगा ना, जाहिर सी बात है, तो वो उसका जो गेट होगा उसकी इम्पेयरमेंट फिर आपको इस तरह से पता चलेगी, ठीक है। सो ये हमारे पास थी, हमने साइन नर्व्स को डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने किसी चीज़ को डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ बीच में रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप तभी पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई चीज़ चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।